देखिए दोस्तों, एक डेल 1210 प्रोजेक्टर है। इसका अगर ऐसा आपका सिंबल आता है, ये देखिए सिंबल को फॉलो कीजिए, ऐसा सिंबल अगर आता है तो इसका रिपेयरिंग किया होगा, कैसे करेंगे, क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन आज मैं बताने वाला हूँ। तो साथ में रहिएगा और ये प्रोजेक्टर मॉल का चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपका दिन विफल नहीं जाएगा। हर रोज जो हमारा नया नया प्रोजेक्टर आता है, क्या प्रॉब्लम होता है, क्या नहीं होता है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये प्रोजेक्टर मॉल का ये वीडियो का जितना सीक्रेट है, धीरे 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 आप लोग सीखिए। मेरा पहले का वीडियो एक बार देख लीजिए, खोलने वाला मैं कैसे खोला, कैसे लगाया, आज खोलने लगाने का नहीं बताऊँगा, इसका सॉल्यूशन करने के बाद फिर आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ, ठीक है ना। साथ में रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हेल्थ का जो टॉपिक है मेरा इंस्क्रीन वाला वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि हेल्थ इज आवर रियल वेल्थ। ये जिंदगी एक ही बार के मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा, तो हेल्थ का केयर कीजिए। हेल्थ का बहुत सारा टॉपिक है, एक बार पूरा चैनल में फॉलो करेंगे आप मल्टी नॉलेज मैन, आप पैसा वाला सुखी आदमी बन सकता है ये चैनल के द्वारा। ये है मकसद, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में हेल्दी और वेल्दी एक समाज तोरी मतलब क्रिएट करना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। तो दोस्तों प्रोजेक्टर का साथ मैं एक पक्का रिश्ता जोड़ लिया और मैं दिल से ये तपस्या जैसा मानकर ये प्रोजेक्टर का काम करता हूँ दोस्तों। चलिए आज इसका सीक्रेट शॉर्ट में बताने वाला हूँ, 5-7 मिनट में वीडियो खत्म करूंगा, साथ में रहिएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने सिम्टम दिखाया था इस मॉडल का, ये डायग्नोस करने के लिए एक्चुअली जिस दिन मैंने इसका बीमारी दिखाया था, रिकॉर्डिंग किया था, वो वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद और साथ ही साथ 2-4 दिन में 8-10 वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया था। तो वीडियो बीच में पड़ा रहा था लेकिन इसका मैंने कंप्लीट नहीं किया, तो इसीलिए आज इसका डायग्नोस आप लोगों को मैं कंप्लीट तोल के दे रहा हूँ। तो जैसे ही आपका ये सिम्टम आएगा, पावर वाला जलेगा, चाबी वाला जलेगा, लैंप वाला जलेगा, जब जलेगा तब आपको सबसे पहले डायग्नोस कैसे करना है, इसका बीमारी क्या हो सकता है। अगर आप मुझे फोन करेंगे इस सिम्टम के लिए, मैं तो भगवान ईश्वर अल्लाह कुछ हूँ नहीं जो मैं यही से एकदम तथास्तु बोल के बता दूंगा यही रीजन हुआ है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ, जैसे आप अंडा बॉयल खाएंगे, बॉयल अंडा खाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंडा लाना पड़ेगा, पानी गैस में बैठाना पड़ेगा या चूल्हा जलाना पड़ेगा, आग जलाना पड़ेगा और उसमें 10-15 मिनट बॉयल करना पड़ेगा, तब जाकर बॉयल होगा। अभी हाफ बॉयल खाएंगे तो उसका लिमिटेड बॉयल होना जरूरी है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर फुल बॉयल करेंगे तो 15 मिनट के जगह 20 मिनट आग देने से भी चूल्हा में रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे ही इसका डायग्नोस करना भी थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, अगर ये सिम्टम आ रहा है, सबसे पहला टारगेट जाता है लैम्प, हो सकता है लैम्प काट गया हो। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक खराब लैम्प ले आया, समझाने के लिए अपना दोस्तों को, मेरा सब्सक्राइबर को या नया दोस्त जो भी है जो मेरा टॉपिक देख रहा है, तो उसको पूरा समझ में आने के लिए मैं बहुत दिल से सोच समझ कर प्लानिंग करके वीडियो बनाता हूँ, ताकि मेरा जो समझाने का तरीका वो उसको समझ में आए, तभी तो मेरा ये वीडियो काम आएगा। नहीं तो मैं बकर बकर करता जाऊँगा, भाषण देता जाऊँगा, किसी को समझ में नहीं आएगा तो कुछ होगा नहीं। तो इसके बाद भी अगर एक वीडियो में आप लाइक कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे तो बहुत दुख लगेगा। तो दोस्तों साथ में रहिए, देखिए। तो लैंप आपको पहले लैंप खोलना है और इसका खोलना लगाने का वीडियो कंप्लीट देखिए। आज मैं इसका खोलना लगाना वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, ताकि मैं शॉर्ट में आप लोगों को नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरा मरने के बाद भी मेरा नॉलेज से करोड़ों आदमी का काम आए। और मार्केट में ये मॉडल, ये प्रोजेक्टर बहुत है, बहुत है। और मैं वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट सेलिंग किया था यही मॉडल, इससे पहले बेनक्यू का, जो बेनक्यू का स्टॉक देख पा रहे हैं ना, इतना स्टॉक है अभी भी है, लेकिन ये आम आदमी के लिए, ये घर में देखने के
अच्छा नहीं होता, ये ऑफिशियली में चलता है, छोटा करके जो पिक्चर दिखता है उसके लिए ये बेनक्यू का ये सारा मॉडल अभी भी स्टॉक में है। तो लेकिन जो घर में दिखेगा उसको हैवी लॉन्ग लास्टिंग वाला प्रोजेक्टर चाहिए, या तो डेल या तो शार्प, कभी कभार वो रेंट में भी दे सकता है, दमदार आइटम है, चलने वाला, दौड़ने वाला, लॉन्ग लास्टिंग करने वाला। तभी मैं बता रहा हूँ ये तो डेल लीजिए या तो शार्प लीजिए। प्रोडक्शन बंद है तो क्या है, ये सालों साल लाइफ टाइम इसका स्पेयर पार्ट मिलता जाएगा। तो जो भी हो समझने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको डायग्नोस करना है, लैम्प खोल के देख लेना है, ये कैसे लैम्प खोलेंगे, खोलने का टेक्निक मेरा कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। तो क्या करना है, लैम्प खोल के देखना है इसका एम्पेल का अंदर जो राउंड एरिया है, राउंड एरिया है, होता है इतना उबला हुआ, वो तो फूल तो नहीं गया, वो फूल गया होगा तो फिर मतलब वो काट गया है, कभी कभार फूलने के बाद भी जलता है लेकिन फूलते फूलते काट भी जाता है, और लैम्प फूलता है वो ऐसे टेढ़ा भी हो जाता है, एम्पेल ऐसे टेढ़ा भी हो जाता है फूलने के बाद, जब टेढ़ा होगा तो धीरे धीरे जलता तो है लेकिन टेढ़ा होने के बाद लाइट भी कम होता है, क्योंकि इसका टॉर्च लाइट जैसा फोकस अगर जो टॉर्च होता है, दिखाता हूँ साथ में रहिए, सपोज ये टॉर्च लाइट है, ये टॉर्च लाइट का जो बल्ब है अंदर थोड़ा टेढ़ा होगा, इसका फोकस भी टेढ़ा जाएगा, इसका फोकस अगर प्रोजेक्टर के अंदर टेढ़ा जाएगा तो लाइट घट जाएगा, सीधा जाना चाहिए टनल के अंदर से सीधा जाएगा तभी पिक्चर पूरा उजाला होगा, समझिए टॉपिक को। तो क्या होता है, कभी कभार ये लैम्प टेढ़ा हो जाता है और टेढ़ा होने के बाद वो काट भी जाता है कभी कभार, और किसी का चलता भी है, और ये फूलने का कारण होता है इसका जो हीट कंट्रोलर सेंसर है प्रोजेक्टर के अंदर लैम्प के पास ही रहता है, हीट कंट्रोलर जो सेंसर रहता है, सेंसर जब गंदा होता है कभी कभार खराब भी हो जाता है, तो वो अगर खराब हो जाएगा ये तो गंदा लगेगा, उसमें काला धूल मिट्टी लगा रहेगा तो वो सेंसिंग कम करेगा, तब ये गोरा फूल जाता है। सीक्रेट बता रहा हूँ दोस्तों, आज तक किसी ने नहीं बताया, मैं पहली बार ये सारा सीक्रेट उगल के दे रहा हूँ ताकि साधारण आदमी फ्रॉड दुकानदार से बचे, फ्रॉड कंपनी से बचे, झूठा बोलकर उसको उल्टा सीधा समझा कर पैसा ज्यादा ना ले पाए, ये मेरा मुद्दा है। और एक मुद्दा है, मैं चाहता हूँ सही में इंडिया का आदमी पूरा मल्टी नॉलेज मैन हो जाए, मल्टी नॉलेज मैन हो जाए, मतलब पूरा हेल्दी रहे और वेल्दी भी बने, इसीलिए मैं बैकग्राउंड चेंज करके बैकग्राउंड में मैं खुद का कल्टीवेशन जो मैं चौथी मंजिल के ऊपर करता हूँ, आदमी लोगों को दिखाता हूँ, भाई मैं कर सकता हूँ तो मेरा स्वस्थ रहने के लिए आपको भी करना जरूरी है, नहीं करेंगे आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, कितना भी नामी दामी बिलियनियर ना हो, कितना भी आप पावरफुल आदमी ना हो, मतलब आपका उम्र से पहले आपको इस दुनिया को टाटा बाई बाई करना है, आज तक तो जितना आदमी गया है वो रिटर्न नहीं आया, एक बार मिला के देखिएगा, इरफान खान कितना करोड़ों का मालिक था उसको भी हिसाब नहीं था, इतना उम्र आदमी था, कैंसर हुआ था, लंदन अमेरिका जाकर ट्रीटमेंट करके भी बच नहीं सका, सोचिए हमारा कितना नामी दामी मंत्रीगण, नाम बोलकर मैं वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ, श्रीदेवी, ऋषि कपूर, मरने का टाइम हुआ नहीं था दोस्तों, इसीलिए बता रहा हूँ टाइम है, अभी भी मौका है, खाने को सुधार लीजिए, ठीक है, और मेरा इनस्क्रीन वाला वीडियो कर करके वो फॉर्मूला अपना लीजिए, मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूँ दोस्तों, कंप्लीट नॉलेज इसीलिए दे रहा हूँ, जो वो नॉलेज लेंगे आपका पैसा डॉक्टर भी खा नहीं पाएगा, आपका पैसा आप ही अपना बॉडी के साथ आनंद करेंगे, आपका फैमिली के साथ आनंद करेंगे, घर बैठे इनकम चाहिए तो एक बार झिझकना नहीं, फोन कर लेना, जबरदस्त घर में बैठे बैठे शांति के टाइम में, आनंद के टाइम में आधा घंटा देना है मोबाइल में, मोबाइल से दोस्ती कर लेना है, टक टक करके टाइम इज मनी समझ में आएगा, अरे ऐसे करके मार्क जुकरबर्ग वर्ल्ड का 5 रिसर्च मैन है, हम लोग उसको रिसर्च बना रहे हैं, लेकिन अभी आपका रिसर्च बनने का टाइम आ गया, जानना है तो फोन कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इशारा दे रहा हूँ सिर्फ। तो आपको ये लैम्प बढ़िया से चेक कर लेना है, जो ऐसे वैसे तो हुआ नहीं है, अगर ब्रास्ट हो जाएगा अंदर तो बहुत बल्ब का
टुकड़ा टुकड़ा भी निकलेगा तो आपको समझ में ही आएगा लैम कया। अगर मान के चलिए लैम छोई है, इसका पूरा गोरा भी फूला नहीं है, टूटा भी नहीं, मान लिया सही है। हो सकता है इसका ये गोरा पे जो है यहाँ पे लूज हो गया हो, चेक करना है ना आपको। डायग्नोस कैसे करेंगे, एक बार उसका गोरा फॉलो करना है। ऐसे ऐसे तो देखिए ये खुल गया, ऐसे ऐसे तो नहीं हो गया, हो सकता है क्योंकि लैम नहीं जलेगा वहां पे, ऐसे इंडिकेशन आएगा। ये है पहला सिम्टम। अभी मन के चला लैम ओके है, ये मैं जो जो दिखाया ये सिम्टम एक भी नहीं है, हटा दिया इसको। दूसरा टारगेट आपको जाना है कलर व्हील में। कलर व्हील सुई से घूम रहा है तो अगर कलर व्हील नहीं घूमेगा ऐसा इंडिकेशन मानेगा। मैं एकदम डायरेक्ट थ्रोइंग कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। और ये वीडियो प्लीज हर व्यक्ति को शेयर करना है, आपके पहचान में जितना बंदा है आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट में सबको भेजना है। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इतना सीक्रेट इसीलिए उगल के दे रहा हूँ, सिर्फ आपको सीखने के लिए नहीं, हर व्यक्ति को सीखना है क्योंकि आगे हर घर में ही ये प्रोजेक्टर आने वाला है, दिन आ रहा है। लेकिन आदमी नॉलेज के अभाव से आदमी गुमराह हो रहा है, ठग रहा है, है? एलईडी एलसीडी कुछ भी ले लेता है ब्रांड, अरे एमआई का है, रियलमी का है, जेब्रोनिक्स का है, एप्सन का है, सोनी का है, पैनासोनिक का है, ऑप्टोमा क्या कुछ नामी दामी, व्यूसोनिक, इनफोकस, विविटेक, सही नहीं है ये कंपनी। ये कंपनी के साथ मेरा दुश्मनी नहीं है जो इसका बदनामी कर रहा हूँ, आदमी को जागरूक कर रहा हूँ, जागरूक। चलने वाला दौड़ने वाला ये चार कंपनी का नाम जान लीजिए, डेल, शार्प, एनईसी, बेनक्यू, ये चार कंपनी चलने वाला आइटम है मार्केट में। 99% इस प्रोडक्ट इनका चलता है और जितना मैंने नाम बताया वो भी चलता है, लेकिन रुक रुक के चलता है। ये चार कंपनी जैसा स्मूथली नहीं चलता, लॉन्ग लास्टिंग कम है उन लोगों का। ये दिसंबर क्रॉस करेगा तो 24 में पेयर पड़ेगा, इसीलिए मैं समझ चुका हूँ भाई इसके ऊपर हर व्यक्ति को नॉलेज होना जरूरी है। तो दोस्तों दूसरा डायग्नोस मैंने बता दिया, कलर व्हील चेक करना है, घूम रहा है या नहीं रहे। अगर घूम रहा है, स्मूथली घूम रहा है या नहीं रहे, वो भी आपको चेक करना है। स्मूथली होना चाहिए, वहां पे अगर रुक रुक के चलेगा तो भी ये सिम्टम आएगा जो इंडिकेशन मैंने बता रहा हूँ। फिर तीसरा मान के चलिए वो भी सही है। फिर आपको चेक करना है ब्लास्ट यूनिट, ब्लास्ट यूनिट को चेक करना है। वो अगर सप्लाई सब कुछ ठीक ठाक नहीं देगा फिर ये सिम्टम आ सकता है। चौथा सिम्टम मेन बोर्ड भी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये गलत ऑपरेशन के लिए कभी कभार मेन बोर्ड लॉक हो जाता है। वो जो चाबी वाला जलता है आपको दिखाई देता है, चाबी वाला मेन बोर्ड खराब होने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो डायग्नोस इसको बोलते हैं डायग्नोस। आपको जब प्रैक्टिकली ऐसे करेंगे तब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा ना, ऐसे ऐसे करके प्राइमरी देख लेता हूँ, अगर आप कर पाएंगे तो मेरे पास भेजना नहीं पड़ेगा। अगर आप कोशिश करने के बाद नहीं बने तो मेरा इस एड्रेस में भेज दीजिए, मैं एकदम बढ़िया से शांति से इसको नया बना कर दूंगा। फिर कम से कम 10 साल चलेगा, साल में नॉर्मल सर्विस करना जरूरी है। हम अगर 120 साल जीना चाहते हैं हमारे साथ हम मेंटेन करके चलना पड़ेगा, प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। प्लानिंग का नाम सफलता। आज तक जितना आदमी अमीर बना है, गरीब से अमीर बना है, अमीर से अमीर नहीं बना, गरीब से अमीर बना है, तो हवाई में नहीं बना, प्लानिंग करके बना है। जियो आज मार्केट में राज ऐसे ही नहीं कर रहा है, सबसे पहले प्लानिंग किया, 2 साल आदमी को फ्री में खिलाया। अरे भाई जियो का सिम ले लो, फ्री में इंटरनेट, फ्री में कॉल, 2 साल चलाया, ठीक है। आज तो आदमी का कान खींच के ले रहा है, अब अभी कहाँ पे जाएगा, हाँ एक बार नंबर याद हो गया तो भी नंबर छोड़ेगा भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन अभी एक मजा है, अभी पोर्टिंग करके अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप दूसरा कंपनी में जा सकते हैं। लेकिन इन लोगों का चोरी का इनकम है, आज जो इनकम कर रहा है चोरी का, बोल रहा है 4G कनेक्शन, 4G इंटरनेट, 4G नहीं दे रहा है, वहाँ पे वॉल्यूम कम करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1G 2G सप्लाई दे रहा है, बाकी स्पीड चोरी कर रहा है।
चोरी का पैसा नेटवर्क में है, फिर भी बोलेगा ये नेटवर्क में नहीं है, स्विच ऑफ है, फलना फलना कुछ भी है, उसको दिन बिताना जरूरी है। मतलब दिन चला गया जाएगा तो उसका तो पैसा मुनाफा हो गया। आज एयरटेल वोडाफोन वोडाफोन फिर भी चाहिए। बिजनेस का सीक्रेट बता रहा हूँ दोस्तों, जानना जरूरी है आपको। वोडाफोन का इनकमिंग 6 महीना तक तो होता है। एक बार आपने 99 रुपीज डाल दिया, रिचार्ज कर लिया, अगर आपके पास पैसा कम है तो 99 रुपीज डालने के बाद 1 महीना तो आउटगोइंग इनकमिंग रहता ही है, उसके बाद भी 6 महीना इनकमिंग देता है। ये कंपनी का एक पॉजिटिव दिक है, अच्छा है, साधारण आदमी यूज कर सकता है। क्योंकि एक गरीब आदमी मोबाइल पर लेकर कम्युनिकेशन के लिए उसको अगर महीना में 99 रुपीज डालना है तो कहाँ से देगा। और एयरटेल तो वो 28 दिन में सारा खत्म, 7 दिन देता है सिर्फ इनकमिंग, बाकी वो यूज करे ना करे पूरा पैसा हजम। तो चोरी का इनकम नहीं हुआ? पहले बोला था लाइफ टाइम देंगे, 999 रुपया में सिम लीजिए लाइफ टाइम, और जिंदगी में रिचार्ज करने का जरूरत नहीं है, इनकमिंग होता रहेगा, और डूइंग करना है तो पैसा डालना है। वो लाइफ टाइम सिम भी अभी नॉर्मल सिम बना दिया कंपनी का स्कीम। अब साधारण आदमी क्या करेगा? इसीलिए दोस्तों मैं इशारा दे रहा हूँ, वो रिचार्ज में से आप 40% इनकम कर सकते हैं, ऐसा फंडा है। घर बैठे आप 100 रुपया रिचार्ज करेंगे, 24 घंटा बाद आपका 100 रुपया रिचार्ज में से 48 रुपीज वापस आ जाएगा। 99 रुपीज रिचार्ज करेंगे आपको रिटर्न कर देगा 48 रुपीज कि कितना लगा आपका रिचार्ज का। मजा हुआ ना? एक ऐप है जिसका नाम है, देखिए, मॉल 91, जबरदस्त ऐप है, इंडियन ऐप है। इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसा बहुत बड़ा शॉपिंग साइट। आपको क्या चाहिए? इसमें मोबाइल रिचार्ज हो सकता है, गैस बुकिंग हो सकता है, हर बुकिंग में इनकम आएगा। इलेक्ट्रिक बिल आप इसी के माध्यम से दे सकते हैं, पे फोन पे गूगल पे जैसा है, पे यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, कुछ भी करेंगे आपका इनकम आएगा हाथों हाथ। ऑलरेडी मैं 3 महीना के अंदर नियर अबाउट 7.5 लाख रुपया इनकम कर चुका हूँ फ्री में। नो इन्वेस्टमेंट, नो मनी मार्केटिंग, नो ऑयलिंग, नो प्रोडक्ट सेलिंग, घर बैठे शांति से टक 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 करके इनकम आता है। बुराई है? इज्जत के साथ, क्योंकि आप मोबाइल में टक टक ही करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग को धनी बना रहे। आज टाइम आ गया आप धनी बनने का। कम्युनिकेशन करना भूलना नहीं, नीचे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा पूरा जन्म कुंडली बायोडाटा है। मैं रहता हूँ इंडिया का, वेस्ट बंगाल का, उत्तर बंगाल, पश्चिम बंगाल का राज्य जो है, पश्चिम बंगाल राज्य, उत्तर बंगाल, कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट। ये स्टेशन देखिए कितना सुंदर स्टेशन है, स्टेशन एक बार देखिए कितना सुंदर स्टेशन है, न्यू कोच बिहार रेलवे जंक्शन, बहुत सुंदर स्टेशन है। तो एक बार घूम कर जाना है, यहाँ पे बहुत घूमने का सुंदर जगह है, तो इसका आइडिया मैं आपको दे दिया। तो दोस्तों आज वीडियो और लंबा नहीं करेंगे, उम्मीद करता हूँ मेरा ये जो सीक्रेट नॉलेज आपको बताया, शेयरिंग किया, आपको जरूर अच्छा लगा है। तो प्लीज मैं दोबारा मांग के लेता हूँ, एक लाइक कमेंट करना भूलना नहीं, मुझे एक लाइक कमेंट करके जरूर बाधित कीजिएगा दोस्तों। और अपना हेल्थ के साथ हर रोज प्लानिंग करते रहिए, आपके अंदर बीमार रहना नहीं चाहिए। अगर डेली ड्रिंकिंग करते हैं, वाइन पीते हैं, फिर भी आपको प्लान करके पीना है, वाइन आपको ग्रास ना करे उसको भी आपको सोचना है। अगर वाइन आपको ग्रास कर गया, अब वाइन आपको खाते हैं, तो आपका जिंदगी बेकार है। वाइन को आपको पीना है आनंद से, लिमिटेड, एक्स्ट्रा ओवर हो गया ना ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मैं हर वीडियो में इशारा देता हूँ, याद रखिएगा, भूलेंगे आपका नुकसान, मानेंगे आपका फायदा, आपका फैमिली प्राउड फील करेगा आपको लेकर। हाथ मिला लीजिए, दोस्ती कर लीजिए मुझसे, मैं आप जैसा दोस्त के लिए ऐसा सजा कर वीडियो बनाता हूँ। चलिए दोस्तों आज के लिए टाटा, कंप्लीट वीडियो देखने के लिए मेरा फिर से नमस्कार, धन्यवाद, आप लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ रहे, थैंक यू।